नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे टीवीएफ की नई वेब सीरीज सास बहू आचार प्राइवेट लिमिटेड की, जो Z5 की प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। और टीवीएफ का कोई भी काम आता है दोस्तों, कोशिश करता है उसको देखने के लिए, क्योंकि टीवीएफ का काम का एक तो खासियत होती है कि ये अपने समाज के साथ, अपने लाइफ के साथ बहुत जुड़ा हुआ रहता है। आप कहानी के साथ रिलेट कर सकते हो। दोस्तों इस बार जो दिखाया जा रहा है कि एक डाइवोर्स एक औरत की कहानी जो दिल्ली में रहती है, और दिल्ली में एक छोटी सी इलाका में, छोटी सी नुक्कड़ के अंदर में वो अपना एग्जिस्टेंस का स्ट्रगल कर रही है, जिसमें दिखाया जाता है कि वो सबसे बेहतरीन अचार जो है वो घर में बनाती है और उस अचार को वो मार्केट में सेल करने की कोशिश कर रही है अपना जो लाइफ है उसको गुजारने के लिए। दोस्तों कहानी सुनने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये कहानी एकदम वास्तव के साथ जुड़ा हुआ है और एक कहानी ऐसा है कि जो आपको लाइफ में मोटिवेशन दे सकता है। आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, लाइफ में लग रहा है कि आपको सब कुछ आपका गलत हो रहा है, ये कहानी ऐसा एक कहानी है जो आपको सही राह दिखा सकता है कि अल्टीमेटली आपको जो है लड़ाई जो है वो आपको जारी रखना है। दोस्तों बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, और सच बोले तो इसका जो मेकर है, मतलब इससे पहले वो एस्पिरेंट्स जैसे सीरीज बना चुके हैं अपूर्व सिंह कार्की, तो ये बेसिकली बहुत ही एक बढ़िया डायरेक्टर है। तो इस बार भी उनका जो मतलब काबिलियत जो है, मतलब डायरेक्शन में और ये इस टाइप की कहानी बोलने में, वो फिर से झलक रही है। दोस्तों इस पर्टिकुलर अगर मैं वेब सीरीज की बात करूँ तो स्टील ऑफ द शो है अमृता सुभाष और यामिनी दास की जोड़ी। देखिए यहाँ पे अनूप सोनी भी है और बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन यामिनी दास और जो हमारे अमृता सुभाष, ये जो सास बहू की जो जोड़ी है वो कमाल किया है इसके अंदर में। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है अमृता सुभाष का, मैं तो कहूंगा कि उनका कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस बन सकता है ये। साथ ही में यामिनी दास इतना बढ़िया, मतलब उनकी सास के किरदार में बहुत ही कमाल का इन दोनों ने एक्टिंग किया है। दोस्तों कहानी एक छोटी सी परिवार की है, जिसका जो हेड है वो अनूप सोनी है और वो अपनी वाइफ अमृता सुभाष को डाइवोर्स देके दूसरा जगह चला गया है, तो दूसरा शादी भी कर चुका है, करने की राह में है, और अपने बच्चे जो है वो बाप और मतलब माँ के अंदर में बढ़ चुके हैं। तो लड़का और लड़की जो है बाप के साथ रहता है, लेकिन लड़का जो है वो माँ के साथ रहना चाहता है। तो ऐसा डिस्टर्ब्ड एक परिवार है और वहां पे बीच में फंसी हुई है एक औरत जो सास है उनका, यामिनी दास जो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। अब सास जो है अपनी बहू को अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहती है और उसको इनकरेज कर रही है कि वो अपना जो बिजनेस है अचार का बिजनेस को बढ़ाए। तो कैसे उनका बिजनेस बढ़ता है और कैसे वो स्ट्रगल करती है, क्या वो बिजनेस बढ़ पाता है या नहीं, क्या उनको ठोकरी खाना पड़ा पूरा लाइफ में, यही बेसिकली दिखाया गया। दोस्तों सबसे पॉजिटिव चीज अगर मैं कहूं कि इसका जो सोशल मैसेज है कि जिंदगी में आपको आगे चलना है, अगर आपका हिम्मत, अगर आपका राह, मतलब आप अगर उसमें डटे रहे तो हो सकता है कि भगवान आपका डेस्टिनेशन बदल दे या फिर आपका राह बदल दे, आपका भाग्य का जो लकीर जो आपके हाथ में नहीं है शायद वो भी बन जाए अगर आप राह में आप डटे रहे। तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, बहुत ही कमाल का लग रहा है देखने में। दूसरा जो कहूंगा, इसमें बहुत ही पावर पैक्ड परफॉर्मेंस आपको अमृता सुभाष का देखने के लिए मिलेगा, काबिले तारीफ उन्होंने काम किया है। साथ ही में ये जो टीवीएफ की सारी सीरीज जो होती है बहुत छोटे लेंथ की होती है, 4-5 एपिसोड की होते हैं, 20-20-25 मिनट का एपिसोड होती है, उसमें बहुत सारा कहानी बताया जाता है। तो स्पेशली एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, बैकग्राउंड स्कोर, ये सारे टेक्निकल चीज़ें कमाल की होती है, ये बहुत रियलिस्टिक लगती है देखने में। और स्पेशली Z6 को जिस हिसाब से इस बार दिखाया गया ना, मतलब वो छोटे छोटे गली नुक्करे या फिर ऊपर से देखता हुआ जो आसमान से देखता हुआ जो Z6 का पूरा क्लमजी एरिया है उसको बहुत अच्छा तरीके से पोर्ट्रे की गई है। कहीं पर यहाँ पर आपको ऐसा कोई लैविशली कुछ देखने के लिए मिलेगा नहीं, द रियल फैक्ट, द रियल स्ट्रगल ऑफ दिस पीपल वो आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, बहुत ही कमाल लगा है दोस्तों। और साथ ही में कुछ कुछ ऐसे सीक्वेंस है जो बहुत ही ज्यादा आपको हंसाएंगे, जो यहाँ पे एक आप बोल सकते हो बस के अंदर एक मतलब प्रोडक्ट सेल करने का एक छोटा सा, हॉकरी करने का एक छोटा सा सीक्वेंस है वो कमाल का है, वहां पे पकड़े जाने का एक सीक्वेंस है वो भी बहुत आपको हंसाएगा। दोस्तों ये सीरीज आपको हंसाएगा, ये सीरीज आपको रुलाएगा, ये सीरीज आपको हिम्मत देगा, ये सीरीज आपको लड़ने की जो है ना वो ताकत आपके अंदर में भर देगा। दोस्तों कमाल का सीरीज है, मैं तो कहूंगा इस वीक में रिलीज होने वाली सारे जितने भी कॉन्टेंट
कंटेंट्स है, शायद ये सबसे बढ़िया कंटेंट है और अब तक बहुत लोगों ने इसको देखा नहीं है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा दोस्तों ये कंटेंट आप जरूर देखें। और ऐसा एक कंटेंट है जो आप परिवार के साथ बैठ के इस वीकेंड में देख सकते हो, तो ये मस्ट वॉच एक कंटेंट है, जरूर देखिए। और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप कुछ भी इस वीडियो के कुछ भी कोई भी पॉइंट के साथ अगर सहमत हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।